हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है अब्राहम टेक यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ये जो टास्क बार है इसका कलर आप कैसे चेंज कर सकें। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। कलर चेंज करने से वो थोड़ा सा यूनिक दिखता है, इसके लिए आप कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही ईजी स्टेप है। तो जैसे कि मैं एक दो उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे अभी हम स्टार्ट में जाते हैं तो ये सारे कलर भी चेंज हो जाएंगे। अभी जो इस तरह से ब्लैक टाइप से आ रहा है ये अभी चेंज हो जाएगा। तो आपको स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद में आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अब सेटिंग में आप क्लिक करिए, यह सेटिंग ओपन हो रहा है। सेटिंग क्लिक करने के बाद में आपको इधर में आपको दिखेगा दाएं तरफ पर्सनलाइज बैकग्राउंड लॉक स्क्रीन कलर, तो इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के नीचे में कलर है इधर पे, तो ये कलर पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे कलर्स दिए गए हैं। अगर आपका यहाँ पे अगर टिक मार्क है तो इसे अनटिक कर दीजिए पहले। उसके बाद में आप कोई एक यहाँ से कलर आप चूज कर लीजिए। जैसे मैं ये कलर चूज करता हूँ अभी। और कलर चूज करने के बाद में आपको डाउन आना है। डाउन आपको यहाँ पे दिखता होगा सुएसेंट कलर ऑन फ्लोइंग सरफेस। टास्क बार में होना है स्टार्ट एक्शन और टाइल्स बार, इसमें भी हम कर देते हैं विंडो बॉर्डर। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये अभी क्या हो गया, चेंज हो गया। आप चाहे तो कलर दूसरे भी चेंज कर सकते हैं। चलिए ग्रीन डाल के देखते हैं। सो जो आपको अच्छा लगे उस कलर को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे करते हैं प्लम लाइट। तो ये मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जाने का दो ऑप्शन है, या तो फिर आप ये जो टास्क बार का सरफेस है आप जस्ट यहाँ पे एक बार राइट क्लिक करें और टास्क बार सेटिंग आएगा, आप यहाँ से अंदर जाएं और यहाँ पे आपको सीधे कलर मिलेगा। एक कलर पे आप क्लिक करके यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। सो चलिए अभी कैसा ये परिवर्तन हुआ है आप देख सकते हैं। ये कलर पूरा अभी क्या हो गया, चेंज हो गया है। आप स्टार्ट में क्लिक कीजिएगा, यहाँ का भी सारे कलर चेंज हो गए हैं। ये देखिए अभी क्या हो गया, चेंज हो गया। आप कोई भी मैं कंप्यूटर में फाइल ओपन करते हैं, वहाँ का कलर भी अभी चेंज हो गया। पहले ये जो ऊपर का पोर्शन वो वाइट टाइप में आता था, अभी वो क्या हो गया, चेंज हो गया। नोट पैड भी आप ओपन कर लीजिए, कोई भी फॉन्ट उसमें क्या हो गया है, कलर चेंज हो गए, थोड़ा ब्लर हो गया है। तो चलिए हम नोट पैड भी एक बार ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपने सीखा कि कैसे आप अपने टास्क बार का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखने में बड़ा ही यूनिक और स्टाइलिश लगता है। तो आप इस तरह से करके अपने कंप्यूटर को एक बेहतरीन कलर दे सकते हैं। सो जाते जाते लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट करें वीडियो कैसा लगा।